हाँ कुछ बजट आवत है खैर गवर्नमेंट का कैसा लेबर लगे रहे मजदूर लगा रहे बिल्कुल को पेमेंट तक। ये कहना है गौशाला आनर का जो गौशाला चला रहे हैं। इनके यहाँ मात्र 100 गायें हैं। आज अगर आप बाइक या कार रखे हैं और शहर में भी निकल सकते हैं तो गायों के कारण ट्रैफिक इतनी जाम रहती है कि आप वक्त पर अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन गायों की वजह से आम रास्तों में हाईवे में जाम लगा रहता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अलग अलग जगह के रोड का हाईवे का है जहां पर इस तरह से जाम का कारण बना रहता है। ये मवेशियों का रोड में बसेरा जिसके कारण से आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। यहां तक कि जो गौशालाएं बनी हुई हैं वहां भी हमने जाकर देखा कि वहां की स्थिति क्या है। तो गौशालाओं में मात्र 100 गाय हैं, 100 मवेशी हैं जिनको आनर अपने पैसे से भूसा खिला रहा है, अपने तरफ से सेवा कर रहा है, लेकिन वो 100 से ज़्यादा गायों को भी रखने को तैयार नहीं है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं इस गौशाला के आनर। नमस्कार, मैं ये गौशाला आपको पिपरोहर जो कि ग्राम पंचायत पिपरोहर में आता है, ये गौशाला आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी गायें हैं और ये बाड़ा भी आप इसका देख रहे हैं। पीछे कहाँ तक आया है बाउंड्री? ये नहीं गौशाला उधर तो आप खेती करते हैं ना? नहीं, इन्हीं के लिए है। अच्छा, इन्हीं के लिए है। तो फिर जो रोड में गाय भैंस रहती हैं, गाय ज़्यादातर, तो उनके लिए उनको नहीं लाते हैं? नहीं लाते उनको। हाँ। जैसे कि ये सब 100 गैया की टारगेट है ना, 100 गैया है अपने पास तो विश्व में, तो हालांकि तो 100 से ज़्यादा मतलब रख ही नहीं सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको पिपरोहर ग्राम पंचायत स्थित गौशाला की दिखा रहे हैं जहाँ पर मात्र 100 गायें हैं और इतना बड़ा बाड़ा है कि वहाँ पे और भी गायों को रखा जा सकता है, और भी मवेशियों को रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल इतनी ही गायें हैं। जब हमने इस गौशाला के ऑनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ 100 गायों के लिए टारगेट है, 100 गाय ही हम, 100 मवेशी ही हम रख सकते हैं। तो और गाय काहे रखे के नहीं है अपना प्रॉब्लम? अच्छा, ऑलरेडी हालांकि अपने गौशाला में 150 गई है समथिंग रही है, अब कुछ मरी गई हैं, कुछ मतलब हाँ तो सब 110-120 समथिंग। जैसे ये समय देखी लाइन कहाँ जात हो तो रोड में ही टोटल अपना रात की कहाँ जात हो, दिन के कहाँ जात हो, गाय इन गाय बैठ रहती हैं काहे के कारण कि गौशाला नहीं है उनके लगे रहा है खाती है ना। अगर ये में गौशाला है उनमें इनका रखा जाए तो कम से कम जनता ना परेशान हुई, तो ये का कहे चाहिए अपना तो हो चाहिए हर जगह हर गांव में हो चाहिए। अच्छा, अब अगर ज्यादा रखी थे तो उसके खातिर का प्रावधान है? मतलब ज्यादा अगर अब मवेशी रखी थे गाय भैंस गाय और बर्दा तो एक ही खातिर अब और रखे खातिर का प्रावधान? गौशाला चाहती की बड़ी हो ही ना, कम से कम 100 गई है बजट आवत है खर गवर्नमेंट का, अभी 1 करोड़ रुपया नहीं आवा। कैसा लेबर लगे रहे मजदूर लगा रहे हैं ऐसे पहले, मतलब आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कौनों में के फंड नहीं आवा, जब इनका भूसा उसा तो ये सब अपना अपने सीन का दे रहे हैं। सो नाम लिखे थे भैया अखिलेश सिंह चौहान जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको ये पिपरोहर स्थित ये गौशाला दिखाया और गौशाला के आनर से बातचीत में आप खुद सुन सकते हैं कि इनका कहना है अगर 100 गायों से ज़्यादा होंगे तो कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी होगी। दिन हो या रात हो, गांव हो या शहर हो, हर जगह एक ही जैसी स्थिति बनी रहती है। गायों का बसेरा ये सड़कें ही हैं, ये हाईवे ही हैं। इस तरह की गौशालाएं अगर बन जाएं, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब थी तो गौशाला हर गांव शहर में बनवाने के लिए वादा किया था और कई जगह गौशालाएं निर्माण भी होने लगी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार जब गई तो भाजपा सरकार के मुखिया नहीं चाहते कि गौशाला बने, क्योंकि यह स्कीम कांग्रेस की थी। आए दिन आप सड़कों पे गायों को मरी हुई पाते होंगे, यहाँ तक कि उनको उठाने वाला भी कोई नहीं रहता, सड़ जाती हैं रोड में पड़े पड़े। आप खुद महंगाई से परेशान होंगे, पेट्रोल डीजल
के रेटों से परेशान होंगे। यहाँ तक कि खाने के लिए तेल भी आज महंगा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश के लोगों को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, फिर भी अगर वो रोड में चलते हैं, हाईवे में चलते हैं, तो बाकायदा भारी भरकम टोल भी भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनी रहती है कि वो 20 से ज़्यादा के ऊपर की रफ्तार नहीं चल सकते। अगर चले तो एक्सीडेंट होना तय है, गायों का मरना तय है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं साहब। यहाँ का हाल तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे है। आपने देखा होगा कि गांवों में खुले में शौच को रोकने के लिए मास्टरों की, यहां तक कि गवर्नमेंट कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो कहना ये है साहब कि अगर आप गांवों में शौच के लिए तकवारी करवा सकते हैं तो साहब कुछ कर्मचारी ही तैनात कर दीजिए सड़कों में, डंडा लेकर के गायों को किनारे करते रहें, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आप देख रहे थे बाणभट्टा टाइम्स, मृत्युंजय मिश्रा, सीढ़ी।